Hello, good morning everyone. This is the video session of professional practice valuation and unit number 7, rate analysis, and this is the 8th video lecture of rate analysis. Okay, so in this video lecture we have to discuss about different 4 types of activities in rate analysis. So in first activity in this video session, 25 mm thick premix chipping carpet or premix bituminous road surfacing of for a 100 meter square. Okay, तो यहाँ पे हम इस स्लाइड में डिफरेंट कॉलम्स हमने यहाँ पे दिए गए हैं, और ये जो फर्स्ट कॉलम है पर्टिकुलर, सेकंड कॉलम का टाइटल क्वांटिटी और नंबर, थर्ड वन इज द रेट इन रुपीज, फोर्थ वन इज जो अमाउंट जो हम मेजर करेंगे वो आएगा, उसके बाद अमाउंट है लास्ट कॉलम में. तो जो 25 mm प्रीमिक्स चिपिंग कारपेट और जो बिट्यूमिनस रोड सर्फेसिंग की बात करते हैं, तो उसमें मटेरियल्स कौन कौन से हम यूज करेंगे. सो फोर टेक कोट बिट्यूमिन एट द रेट 75 kg पर 100 मीटर स्क्वेयर, तो जो उसकी क्वांटिटी वो है 0.075 एंड पर टन उसका रेट है 25,000. सो 25,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.075, इट मींस टोटल अमाउंट फॉर ए टेक कोट बिट्यूमिन 75 kg पर 100 मीटर स्क्वेयर इज 1,875 रुपीज फॉर ए पर्टिकुलर टेक कोट बिट्यूमिन. आफ्टर दैट प्रीमिक्स कोट, जो प्रीमिक्स कोट की बात करें तो प्रीमिक्स कोट में हम टू टाइप्स ऑफ मटेरियल का यूज करेंगे. फर्स्ट वन इज स्टोन चिप्स एंड सेकंड वन इज अ बिट्यूमिन. सो जो प्रीमिक्स कोट में स्टोन चिप्स वो 12 mm का जो हम यूज करेंगे, और जो 100 मीटर स्क्वेयर में 3 m³ वो जो अप्लाई करने वाले हैं, तो क्या होगा कि भाई 100 मीटर स्क्वेयर में हमको 3 m³ स्टोन चिप्स का यूज करेंगे, और जो उसकी थिकनेस है वो हम 12 mm रखेंगे. तो यहाँ पे जो पर मीटर क्यूब में उसका रेट वो है 1000 रुपीज, और हमको यहाँ पे रिक्वायर्ड है 3 m³. सो 3 m³ मल्टीप्लाइड बाय 1000 इज इक्वल टू 3000 रुपीज. अनदर वन इज अ प्रीमिक्स कोट बिट्यूमिन. सो बिट्यूमिन में जो 64 kg पर मीटर क्यूब में बिट्यूमिन वो रिक्वायर होगा स्टोन चिप्स का, 2.5% वेस्टेज जो हम कंसिडर करेंगे, तो हमको यहाँ पे तो हमको यहाँ पे जो पर टन का रेट वो है 25,000. सो 25,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.197. सो 0.197 मल्टीप्लाइड बाय 25,000. सो टोटल मीटिंग अमाउंट इज 4,925 रुपीज, एज वेल एज वी हैव टू टेकन पॉइंट मीटर क्यूब में बात करें तो पर मीटर क्यूब में उसका रेट वो है 800 रुपीज. सो 800 मल्टीप्लाइड बाय 0.75. सो आफ्टर कंक्लूडिंग एंड इक्वेटिंग दिस मल्टीप्लाइड दिस रेट फॉर ए पर्टिकुलर क्वांटिटी एंड वी हैव टू मीटिंग फाइनल आंसर इज 600 रुपीज. नाउ सेकंड वन इज अ लेबर. सो लेबर में जो लेबर एक्टिविटी है मजदूर वो क्या एक्टिविटी करेंगे. सो फॉर ब्रशिंग ओल्ड सरफेस, फॉर हीटिंग एंड अप्लाइंग टेक कोट, थर्ड वन इज फॉर हीटिंग मिक्सिंग एंड स्प्रेडिंग चिपिंग्स एंड फॉर फ्लशिंग सैंड. तो जो ये जो एक्टिविटी जो लेबर के द्वारा की जाएंगी, तो उसमें नंबर ऑफ लेबर से वो कितनी रिक्वायरमेंट होगी और उसका पर डे का रेट कितना है. तो फॉर पर्टिकुलर दिस एक्टिविटी के लिए जो ब्रशिंग ओल्ड सर्फेस है, तो नंबर ऑफ जो मजदूर है वो रिक्वायर्ड नंबर मजदूर 4 हो गए, और उसका रेट होगा 200 रुपीज. सो 200 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज इक्वल टू 800 रुपीज. नाउ सेकंड वन इज फॉर हीटिंग एंड अप्लाइंग टेक कोट, टू नंबर्स, एंड जो पर डे में उसका जो रेट है वो है 200 रुपीज. सो 200 मल्टीप्लाइड बाय 2, सो टोटल अमाउंट इज 400 रुपीज. नाउ थर्ड वन इज फॉर हीटिंग मिक्सिंग एंड स्प्रेडिंग चिपिंग्स, तो उसमें 9 नंबर्स आएंगे जो रिक्वायर्ड मजदूर होंगे, और पर डे का उसका रेट होगा 200 रुपीज. सो 200 मल्टीप्लाइड बाय 9 इज इक्वल टू 1800. नाउ फॉर फ्लशिंग सेंड,
तो उसमें रिक्वायर्ड मजदूर वन नंबर होगा और उसका रेट होगा पर डे का 200 रुपीज। सो 200 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू 200 रुपीज। सो टोटल लेबर कॉस्ट इज 800 प्लस 400 प्लस 1800 प्लस 200। सो टोटल इज 3200 रुपीज। नाउ बात करें अब हम प्लांट रूलिंग एंड फ्यूल की, तो प्लांट में जो हायर ऑफ वन टारबोलाई इंक्लूडिंग स्प्रेयर जो 600 मीटर स्क्वेयर पर डे, तो जो 600 मीटर स्क्वेयर पर डे का जो यूज होगा तो उसके हिसाब से जो पर डे का उसका रेट है वो 1000 रुपीज। सो ये एक्टिविटी कंप्लीट करने के लिए 1/6 डे की रिक्वायरमेंट होगी। सो 1/6 मल्टीप्लाइड बाय 1000 रुपीज इज इक्वल टू टोटल अमाउंट इज 167 रुपीज आफ्टर दैट रोलिंग। सो हायर ऑफ रोलर 600 मीटर स्क्वेयर पर डे इंक्लूडिंग स्टाफ, सो जो उसका पर डे का रेट है वो 1000 रुपीज है। सो 1000 मल्टीप्लाइड बाय 1/6, सो टोटल रूलिंग अमाउंट इज 167 रुपीज आफ्टर दैट फ्यूल। तो फायरवुड फॉर हीटिंग बिट्यूमिन एट द रेट 4 क्विंटल पर टन ऑफ बिट्यूमिन, सो जो पर क्विंटल, सो पर क्विंटल का रेट है वो है 1000 रुपीज। की बात करें तो पर डे का जो रोलिंग का रेट वो है 1000 रुपीज। सो 1/6 मल्टीप्लाइड बाय 1000 इज इक्वल टू अमाउंट इज 167 रुपीज। तो उसके बाद बात करें अगर हम फ्यूल की, तो फ्यूल में फायरवुड फॉर हीटिंग बिट्यूमिन एंड 4 क्विंटल पर टन ऑफ बिट्यूमिन, तो जो पर टन ऑफ बिट्यूमिन है तो उसमें 4 क्विंटल फ्यूल की रिक्वायरमेंट होगी। सो जो फायरवुड की बात करें तो जो पर क्विंटल का वो रेट आता है वो है 200 रुपीज। सो 200 मल्टीप्लाइड बाय 0.3 इज इक्वल टू 60 रुपीज। आफ्टर दैट डीजल फॉर रोलर 80 लीटर्स पर डे सनराइज, तो जो पर डे का लीटर आता है वो 18 रुपीज आता है, तो पर लीटर जो रेट वो है 55 रुपीज। सो 55 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल टू 165 रुपीज एंड लमसम अमाउंट इज 100 रुपीज। सो टोटल अगर हम यहाँ पे बात करें मटेरियल्स प्लस लेबर प्लस प्लांट प्लस रोलिंग प्लस फ्यूल एंड डीजल, तो जो टोटल कॉस्ट आता है वो आता है 14,259 रुपीज। नाउ एड 10% कॉन्ट्रैक्टर्स प्रॉफिट 1,426 रुपीज। सो रेट फॉर 100 मीटर स्क्वेयर इज 15,685 रुपीज एंड रेट फॉर 1 मीटर स्क्वेयर रुपीज 156.85 रुपीज। उसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटी की बात करते हैं, तो वो है 50 mm फुल ग्राउंड सरफेस ऑन एग्जिस्टिंग रोड सरफेस। ओके, सो 50 mm फुल ग्राउंड सरफेस ऑन एग्जिस्टिंग रोड सरफेस फॉर 10 मीटर स्क्वेयर के लिए अगर हम यहाँ पे बात करें तो मटेरियल्स में मेटल एस्फाल्ट ब्लाइंडेज एंड सनराइज की रिक्वायरमेंट होगी, और जो लेबर में मेल कुली फीमेल कुली एज वेल एज लेबर फॉर कंसोलिडेटिंग इन वन लेयर एंड हीटिंग एस्फाल्ट कोट एटसेट्रा एंड सन ड्राइज। ओके, सो यहाँ पे मटेरियल्स की बात करें तो 50 फुल ग्राउट सरफेस जो एग्जिस्टिंग रोड सरफेस है उसमें ग्राउट 50 mm के लिए, तो जो उसपे रिक्वायर्ड मटेरियल वो है तो उसमें मेटल का यूज होगा, उसके बाद एस्फाल्ट का यूज होगा, ब्लाइंडेज का यूज होगा और सनराइज वो लमसम अमाउंट हम लेंगे। तो मेटल में 10 मीटर स्क्वायर के लिए जो पर मीटर क्यूब का रेट वो है 1000 रुपीज। सो 1000 मल्टीप्लाइड बाय 0.6 इज इक्वल टू 600 रुपीज। उसके बाद एस्फाल्ट, तो जो एस्फाल्ट में पर केजी का रेट वो है 25 रुपीज। सो 25 मल्टीप्लाइड बाय 63.50, सो 63.50 मल्टीप्लाइड बाय 25, सो अमाउंट ऑफ इज 1587 रुपीज। उसके बाद ब्लाइंडेज, तो ब्लाइंडेज में पर मीटर क्यूब का रेट वो है 400 रुपीज। सो
सो ब्लाइंड एज इज 0.28, सो 0.28 मल्टीप्लाइड बाय 400, सो टोटल अमाउंट इज 112 रुपीज एंड सनराइज कॉस्ट इज 25 रुपीज, सो टोटल मटेरियल कॉस्ट इज 2324.5 रुपीज। नाउ अनदर लेबर कॉस्ट, सो लेबर कॉस्ट में कौन सी चीजें आएगी, तो कि भाई लेबर कॉस्ट में मेल कुली, फीमेल कुली, उसके बाद जो लेबर कंसोलिडेटिंग वन लेयर में जो कंसोलिडेटिंग होगा उसका, और हीटिंग एस्पाल्ट एज वेल कोल एटसेट्रा। तो जो मेल कुली है वो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मेल कुली वन एंड पर डे का रेट वो है 200 रुपीज, सो 200 मल्टीप्लाइड बाय 1, सो 200 रुपीज। फीमेल कुली 200 मल्टीप्लाइड बाय 1, 200 रुपीज। एंड लेबर फॉर कंसोलिडेटिंग इन वन लेयर इज 100, जो मीटर स्क्वायर में हम उसको नापेंगे तो 120 रुपीज पर मीटर स्क्वायर का, और हमको यहाँ पे 10 मीटर स्क्वायर की रिक्वायरमेंट है, सो 10 मीटर स्क्वायर, सो 10 मल्टीप्लाइड बाय 20 इज इक्वल टू 200 रुपीज। एंड लमसम अमाउंट इज सनराइज कॉस्ट इज 25, एंड जो वन लेयर में जो हीटिंग एस्पाल्ट कोल की बात करें तो वो अमाउंट है वो है 100 रुपीज। सो टोटल लेबर कॉस्ट इज 725 रुपीज एंड जो टोटल मटेरियल कॉस्ट हमको यहाँ पे मिलेगा वो आएगा 2324.5 रुपीज। सो टोटल ईयर मटेरियल प्लस लेबर कॉस्ट इज 3049 रुपीज एंड एड 10% कॉन्ट्रैक्टर्स प्रॉफिट इज 305 रुपीज। सो रेट फॉर 10 मीटर क्यूब रुपीज इज 3355 रुपीज एंड रेट फॉर 1 मीटर क्यूब इन रुपीज इज 335.5 रुपीज। ओके, तो ये एक्टिविटी में हमने देखा कि यहाँ पे जो हमको मेटल क्वांटिटी वो कितनी 0.6 आती थी, तो वो किस तरीके से, तो हमको यहाँ पे 10 मीटर स्क्वायर में जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं तो वो 10 मीटर स्क्वायर के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं। ओके, सो 10 मल्टीप्लाइड बाय 0.05 इज इक्वल टू 0.5 मीटर क्यूब एंड जो कंसिडरिंग वेस्टेज एंड कंसोलिडेशन जो हम कंसिडर करेंगे तो उसके बाद हमको मेटल जो क्वांटिटी मिलेगी 40 mm के लिए वो आएगी 0.6 मीटर क्यूब। उसके बाद आता है एस्पाल्ट क्वांटिटी, एस्पाल्ट क्वांटिटी में 50 kg फॉर स्प्रेडिंग ऑन मेटल प्लस 13.5 kg फॉर सिलकोट, सो टोटल हमको मिलेगा एस्पाल्ट क्वांटिटी 63.50 क्वांटिटी। एंड ब्लाइंडेज क्वांटिटी इज 0.18 मीटर क्यूब फॉर स्प्रेडिंग ऑन हॉट बिट्यूमिन प्लस 0.10 मीटर क्यूब फॉर सिलकोट, सो टोटल ब्लाइंडेज क्वांटिटी हमको मिलेगी 0.28, और जो ये हमने यहाँ पे लिखी है 0.28 इस तरीके से आता है। ओके, सो उसके नेक्स्ट एक्टिविटी हम देखते हैं, ब्रिक ऑन एज फ्लोरिंग विथ जॉइंट अप टू 25 mm इन सीमेंट मोर्टार 1:1 एंड रेस्ट इन सीमेंट मोर्टार 1:24 फॉर 10 मीटर स्क्वेयर। तो जो ब्रिक ऑन फ्लोरिंग केज के ऊपर जो हम ब्रिक करेंगे वो जो उसका जॉइंट 25 mm में रखेंगे, और जो सीमेंट मोर्टार 1:1 का यूज करेंगे और 1:24 का जो रेस्ट में उसका सीमेंट मोर्टार का यूज करने वाले है वो है 1:24। तो जो उसमें ये 5 कॉलम दी गई है, तो मटेरियल में हमको ब्रिक्स, सीमेंट, सैंड एंड सनराइज की जरूरत होगी, और जो लेबर में लेबर फॉर लेइंग ब्रिक्स, फिलिंग मोर्टार, फिनिशिंग एटसेट्रा एंड सनराइज की रिक्वायरमेंट होगी। तो लेबर में हमको 10 मीटर स्क्वायर के लिए कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो बात करते हैं हम यहाँ पे पहले से मटेरियल्स की, तो जो ब्रिक्स हम वहाँ पे अप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ ब्रिक्स की रिक्वायरमेंट होगी 550 नंबर्स, सो जो 100 नंबर्स का रेट वो है 4000 रुपीज, सो 550 का जो रेट आएगा वो आएगा 2200 रुपीज। उसके बाद सीमेंट की बात करें तो 1 बैग सीमेंट का रेट वो है 280 रुपीज, सो 280 मल्टीप्लाइड बाय 1.25, सो टोटल अमाउंट इज 350 रुपीज। उसके बाद सेंड की बात करें तो पर मीटर क्यूब में उसका रेट है वो है 800 रुपीज, सो 800 मल्टीप्लाइड बाय 0.24, सो टोटल अमाउंट इज 192 रुपीज एंड सनराइज कॉस्ट इज 25, सो टोटल मटेरियल कॉस्ट इज हियर 2767.5 रुपीज।
उसके बाद बात करें हम लेबर की, तो लेबर में लेबर फॉर लेइंग ब्रिक्स, फिलिंग मोर्टार, फिनिशिंग एक्सेट्रा, और हमारे यहाँ जो हम कैलकुलेशन क्वांटिटी की बात करें तो 10 मीटर स्क्वेयर की बात करते हैं तो पर मीटर स्क्वेयर का रेट वो है 90 रुपीज। सो 90 मल्टीप्लाइड बाई 10 इज इक्वल टू अमाउंट इज 900 रुपीज एंड सनड्राइड कॉस्ट इज 25 रुपीज। सो टोटल लेबर कॉस्ट इज 925 रुपीज। सो हम टोटल कॉस्ट की बात करें तो मटेरियल प्लस लेबर कॉस्ट इज 3692 रुपीज एंड 1.5% वाटर चार्जेस इज 56 रुपीज एंड एड 10% कॉन्ट्रैक्टर्स प्रॉफिट 370 रुपीज। सो रेट फॉर 10 मीटर स्क्वायर इन रुपीज इज 4180 रुपीज एंड रेट फॉर 1 मीटर स्क्वायर इन रुपीज इज 4412 रुपीज। ओके, सो डीप एक्सप्लेनेशन की बात करें यहाँ पे तो जो नंबर ऑफ ब्रिक्स किस तरीके से आते हैं, सो नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड, तो जो भाई 10 मीटर स्क्वायर क्वांटिटी की बात करें तो 10 डिवाइड बाय उसका एक डायमेंशन 10 सेंटीमीटर बाय 20 सेंटीमीटर ले अगर हम लेते हैं तो 10 डिवाइड बाय 0.10 मल्टीप्लाइड बाय 0.20 सो 500 नंबर हमको मिलेगा। और जो वेस्टेज नंबर ऑफ ब्रिक्स की बात करें तो 50 प्लस अदर वेस्टेज ब्रिक्स कंसीडर अगर हम करते हैं तो 500 प्लस 50 इज इक्वल टू 550 रुपीज। नाउ टोटल डेप्थ ऑफ जॉइंट इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, सो अगर उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.10 मीटर आएगा। और इन टॉप 25 थिकनेस मोटर प्रोपोर्शन 1:1 एंड इन बॉटम 75 mm थिकनेस मोटर प्रोपोर्शन 1:24। सो वॉल्यूम ऑफ मोटर 10 मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 0.1 माइनस 500 इन ब्रैकेट 0.19 मल्टीप्लाइड बाय 0.09 मल्टीप्लाइड बाय 0.09। सो टोटल वॉल्यूम ऑफ मोटर इज इक्वल टू 0.23 मीटर क्यूब। सो कंसीडर 20% वेस्टेज, सो वॉल्यूम ऑफ मोटर इज इक्वल टू 0.23 प्लस 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 0.23। सो हमको मिलेगा वॉल्यूम ऑफ मोटर इज इक्वल टू 0.28 मीटर क्यूब। एंड फॉर टॉप 25 mm थिकनेस की बात करें तो 1:1 आएगा और उसमें वॉल्यूम ऑफ मोटर 0.025 डिवाइड बाय 0.10 मल्टीप्लाइड बाय 0.28 इज इक्वल टू 0.07 मीटर क्यूब आएगा। और सीमेंट की बात करें तो 1:2 मल्टीप्लाइड बाय 0.07 इज इक्वल टू 0.035 मीटर क्यूब, और जो उसका 1 बैग आएगा। और उसके बाद सेंट की बात करें तो 1:2 मल्टीप्लाइड बाय 0.07 सो 0.035 मीटर क्यूब आएगा। ओके, सो जो लोअर लेवल की बात करें तो लोअर 75 mm थिकनेस 1:24 सो वॉल्यूम ऑफ मोर्टार इज इक्वल टू 0.075 डिवाइड बाय 0.10 मल्टीप्लाइड बाय 0.28 सो इज इक्वल टू 0.21 मीटर क्यूब मिलेगा। और उसमें भी जो सीमेंट है वो 1:25 मल्टीप्लाइड बाय 0.21 जो वॉल्यूम ऑफ मोर्टार आता था तो 0.0084 मीटर क्यूब आएगा। और उसको हम 0.035 से डिवाइड करेंगे तो 0.24 बैग यानी कि 0.25 बैग सीमेंट आएगा लोअर 75 mm थिकनेस के लिए। और सेंट की बात करें तो 24 डिवाइड बाय 25 मल्टीप्लाइड बाय 0.21 सो जो आंसर सेंट का आएगा वो आएगा 0.202 मीटर क्यूब। सो टोटल सेंट कंटेंट इज इक्वल टू 0.035 प्लस 0.202 सो इज इक्वल टू 0.237 मीटर क्यूब से 0.24 मीटर क्यूब आंसर हमको मिलेगा। उसके बाद रेट एनालिसिस में लास्ट एक्टिविटी की बात करते हैं तो स्टोन पिचिंग अप टू 500 mm थिकनेस ऑन स्लोपिंग साइड्स ऑफ अर्दन डैम एंड केनाल्स। तो जो उसमें 5 कॉलम दिए गए हैं तो उसमें मटेरियल और लेबर की बात करें तो मटेरियल्स में स्टोन्स, सैंड, सीमेंट की हमको जरूरत पड़ेगी और लेबर में बात करें मेसन, मेलकुली की मेलकुली भिस्ती की रिक्वायरमेंट होगी। ओके, सो मटेरियल में बात करें अगर हम स्टोन की तो स्टोन की जो क्वांटिटी आती है 6.25 मीटर क्यूब और पर मीटर क्यूब का रेट वो है 500 रुपीज। सो 500 मल्टीप्लाइड बाय 6.25 सो टोटल अमाउंट इज 3125 रुपीज। उसके बाद सेंट की बात करें तो सेंट का पर मीटर क्यूब का रेट वो है 800 रुपीज सो 800 मल्टीप्लाइड बाय 1.76 सो अमाउंट इज 1400
8 रुपीज। सीमेंट की बात करें तो पर बैग का रेट वो है 280 रुपीज। सो 280 मल्टीप्लाइड बाई 10, सो टोटल अमाउंट इज 2,800 रुपीज। और सनराइज की बात करें तो 25 रुपीज, सो टोटल अमाउंट इज 7,358 रुपीज। उसके बाद बात करें हम लेबर की, तो लेबर में मेसन, मेल कुली, फीमेल कुली, और सीमेंट की बात करें तो पर बैग का जो रेट वो है 280 रुपीज। सो 280 मल्टीप्लाइड बाई 10 इज इक्वल टू अमाउंट 2,800, एंड सनड्रेस्ट कॉस्ट इज लमसम अमाउंट इज 25 रुपीज। सो टोटल मटेरियल कॉस्ट इज 7,358 रुपीज। एंड लेबर्स, तो लेबर्स में मेसन, मेल कुली, फीमेल कुली, भिस्ती एंड सनड्रेस्ट। सो मेसन में जो रेट है मेसन का 300 रुपीज पर डे का, सो मेसन जो 300 टोटल अमाउंट इज 300 रुपीज। एंड उसके बाद मेल कुली जो रिक्वायर्ड मेल कुली फॉर ए 10 मीटर स्क्वेयर एक्ट फॉर पर्टिकुलर दिस एक्टिविटी के लिए मेल कुली की 1.5 नंबर्स की मेल कुली की रिक्वायरमेंट होगी। सो 200 रुपीज पर डे का रेट कंसिडर अगर हम करते हैं तो 200 मल्टीप्लाइड बाई 1.5, सो 300 रुपीज अमाउंट आएगा। उसके बाद फीमेल कुली, सो फीमेल कुली में 180 रुपीज बात करते तो 1.5 नंबर्स ऑफ फीमेल कुली की बात करते तो 180 मल्टीप्लाइड बाय 1.5 इज इक्वल टू 270 रुपीज आएगा। उसके बाद भिस्ती की बात करें तो भिस्ती का रेट पर डे का 200 रुपीज अगर कंसिडर करते हैं तो 200 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज इक्वल टू 200 रुपीज, एंड सनराइज लमसम कॉस्ट इज 50 रुपीज। सो टोटल मटेरियल कॉस्ट फॉर हियर फॉर पर्टिकुलर दिस एक्टिविटी इज 7,358 रुपीज, एंड लेबर कॉस्ट इज 1,120 रुपीज। सो टोटल कॉस्ट फॉर पर्टिकुलर स्पॉट पिचिंग अप टू 500 mm थिकनेस ऑन स्लोपिंग साइड्स ऑफ अर्धंडियम एंड कैनल्स 8,478 रुपीज, एंड 1.5% वाटर चार्जेस इज 127 रुपीज, एंड 10% कॉन्ट्रैक्टर्स प्रॉफिट इज 847 रुपीज। सो रेट फॉर 10 मीटर स्क्वेयर रुपीज इज 9,452 रुपीज, एंड रेट फॉर 1 मीटर स्क्वेयर इन रुपीज इज 945 रुपीज आएगा। तो अगर हम डिटेल एक्सप्लेनेशन की बात करें तो जो क्वांटिटी ऑफ स्टोन्स रिक्वायर है, टोटल क्वांटिटी स्टोन प्लस मोर्टार, सो 10 मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 0.5 इज इक्वल टू 5 मीटर क्यूब आएगा। और 10 मीटर क्यूब 12.5 मीटर क्यूब स्टोन की रिक्वायरमेंट होगी, तो 5 मीटर क्यूब के लिए 6.25 मीटर क्यूब स्टोन है वो हमको रिक्वायर होगा। तो उसके बाद 10 मीटर क्यूब में अगर हम 4.2 मीटर क्यूब ड्राई मोटर की रिक्वायरमेंट होती है तो 5 मीटर क्यूब में 2.1 मीटर क्यूब रिक्वायर्ड ड्राई मोटर की होगी। सो फॉर टॉप 10 सेंटीमीटर थिकनेस मोर्टार अगर हम कंसिडर करते हैं उसका प्रोपोर्शन 1:1, सो वॉल्यूम ऑफ मोर्टार इज इक्वल टू 0.1 डिवाइड बाई 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 2.1 इज इक्वल टू 0.42 मीटर क्यूब। सो सीमेंट इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 0.42 इज इक्वल टू 0.21 मीटर क्यूब। एंड बीएक्स की बात करें तो 6 बीएक्स आएंगे। और सेंट की बात करें तो 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 0.42 इज इक्वल टू 0.21 मीटर क्यूब आएगा। सो फॉर बॉटम 40 सेंटीमीटर थिकनेस की बात करें मोर्टार में, उसका प्रोपोर्शन हम अगर 1:12 रखें तो वॉल्यूम ऑफ मोर्टार इज इक्वल टू 2.1 माइनस 0.42 इज इक्वल टू 1.68 मीटर क्यूब आएगा। और सीमेंट इज इक्वल टू 1/13 मल्टीप्लाइड बाई 1.68 इज इक्वल टू 0.129 मीटर क्यूब मिलेगा। सो 0.129 डिवाइड बाई 0.035 इज इक्वल टू 3.69 से 4 बैग्स, एंड सेंड इज इक्वल टू 12/13 मल्टीप्लाइड बाई 1.68 इज इक्वल टू 1.55 मीटर क्यूब। सो टोटल सीमेंट इज 6+4 इज इक्वल टू 10 बैग्स, एंड टोटल सेंड आएगा 0.21+1.55 इज इक्वल टू 1.76 मीटर क्यूब। तो इस तरीके से स्टोन्स आता है 6.25 मीटर क्यूब, एंड सेंड आता है 1.76 मीटर क्यूब। ओके, तो इस वीडियो लेक्चर को हम यहाँ पे फिनिश करते हैं। थैंक यू।